गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आई एम रोहित फ्रॉम फ्री फायर लवर्स टीम। टुडे अवर टॉपिक इज यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो दोस्तों, क्या आपने 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखा है? आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने देखा होगा शायद से। तो दोस्तों, उसमें उन्होंने बहुत ही काफ़ी फर्क दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, उनका नाम आज मतलब पहले वो पहले डचों में, कैंटनों में और राजशाहियों में बंटे हुए थे। तो दोस्तों, और मैं आपको उस पिक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस पिक्चर, ये नेपोलियन है जिन्होंने इटली पर आक्रमण किया था 1797 में। तो दोस्तों, इस नेपोलियन का पतन 1814 और 1815 में ही हो गया था, और 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। तो दोस्तों, आपको तो ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि मैंने मोबाइल से क्यों बताया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा ये पिक्चर नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे मोबाइल में ही निकाल दूँ वेबसाइट से। तो दोस्तों, अगर पिक्चर के बारे माध्यम से आपको समझ आया हो, तो आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, निरंकुश राजतंत्रों। प्रश्न नंबर दो, कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कम थे? सही या गलत? उत्तर गलत। प्रश्न नंबर तीन, दक्षिण में डेस्टर तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे? उत्तर क्रोएट। प्रश्न नंबर चार, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला था? सही या गलत? उत्तर गलत। प्रश्न नंबर पाँच, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? ऑप्शन 1791 में, 1792 में, 1797 में। उत्तर 1797। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।